ठीक है। अच्छा तो ये आपको तीन चीजें लगेंगी। अच्छा इससे पहले ये सबका जो पैरेंट है, आई डोंट नो कि विंडोज में npm होता है या नहीं, बट इसमें npm होता है। ओके तो npm इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग ऑल। npm से आप सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हो, तो पहले आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। रिमेम्बर तो npm ये बेस है सबका, ओके, बेस फॉर ऑल सॉफ्टवेयर। तो आपको इतनी चीजें लगेगी, ओके, इज इट क्लियर? तो क्या क्या लगेगा आपको? npm लगेगा, सबसे पहले npm इंस्टॉल करो, फिर npm से Node.js इंस्टॉल होगा, और फिर npm से ही TypeScript इंस्टॉल होगा। आपको इतना लगेगा, ये तीन चीजें लगेंगी हमें, ओके। अच्छा हम बेसिक प्रोग्राम देखते हैं कैसे होता है, देखो इसका क्या क्या होता है, ओके। तो अच्छा इसका मैं आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है कहीं, तो समझो मैंने यहाँ पे बनाया js नाम का फोल्डर, ठीक है, ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में मैंने js नाम का फोल्डर बनाया, ओके। अब मैं जाऊंगा vs कोड में, ठीक है। अच्छा vs कोड में फाइल ओपन, ओपन फोल्डर दिख रहा है क्या आपको? ओपन फोल्डर, फाइल ओपन फोल्डर। अब ओपन फोल्डर में आपको जो फोल्डर ओपन करना है चूज करो और ओके करो, ये आपका ओपन हो गया फोल्डर, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन से न्यू फोल्डर एंड न्यू फाइल, यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। अच्छा मैं इसको नाम देता हूँ समझो test.ts, ये मेरा टेस्ट फाइल है, ओके, रिमेम्बर। अच्छा सबको दिख रहा है ना? ओके कोई डाउट नहीं है ना? देखो आपको समझ में आया कैसे इसके अंदर प्रोजेक्ट बनता है? इसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं बनता एक्चुअली में, इसके अंदर फोल्डर बनता है, और फोल्डर में आपको जो डालना है वो ऐड करोगे आप। अच्छा एनी डाउट? अच्छा अभी तक किसी को डाउट है ये कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया? आपको जस्ट एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है एंड देन ओपन दैट फोल्डर। अच्छा देखिए हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं, वेयर मैसेज, ओके। अच्छा ये स्ट्रिंग है, अब मेरे जो वर्जन है npm उसमें स्मॉल स्ट्रिंग चलेगा इज इक्वल टू टेस्ट, समझो मैंने टेस्ट दे दिया, ओके। नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस, ओके। अच्छा मुझे प्रिंट करना है, तो आपको पता है कैसे प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग, देखो हिंट आ जाएंगे यहाँ पे, ओके, एंड देन मैसेज, ये हो गया मेरा प्रिंटिंग, ओके। अच्छा अब इसको रन करना है तो कैसे करना है, देखिए ये हमारे यहाँ पे टर्मिनल होता है, ठीक है, आपको टर्मिनल मिलेगा किसमें? VS कोड में, VS कोड में टर्मिनल में आपको कमांड क्या है, tsp test.ts, ये आपका कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया। जैसे ही कंपाइल हो गया ना, अगर आप देखोगे तो वहां पे एक js फाइल जनरेट हुआ है, कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है आपको js फाइल? यस सर। ओके एंड नाउ टेस्ट नोड test.js, ओके। अच्छा हम थोड़ा और
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऑपरेशन वाले ये करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेयर एक नंबर लेता हूँ, नम वन एंड दिस इज माई नंबर। ये देखो ऑटोमेटिकली आपको सब मिल जाएगा यहाँ, ये नंबर हो गया। वेयर नम टू एंड दिस इज नंबर इज इक्वल टू 20। अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, वेयर नम थ्री एंड दिस इज ऑल्सो नंबर इज इक्वल टू नम वन प्लस नम। ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे कंसोल में मैसेज के बाद कंसोल डॉट लॉग नम थ्री, ओके, नाउ आई विल कंपाइल इट। इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, मतलब अभी आपको वेयर पसंद नहीं आ रहा है तो आप लेट यूज कर सकते हो,
नो इश्यूज, बट हमेशा याद रखना कि ये बहुत कम यूज होता है, क्योंकि कब यूज करने का, जब आपके पास बहुत कम मेमोरी है, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है एंड वी नीड अ फास्टर एक्सेस, तब लेट का यूज करने का। या फिर आप फॉर लूप यूज करते हो, पता है ना, फॉर लूप करते हो, वहां पे क्या होता है, अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो उसको बार बार मेमोरी में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको लेट करते हो तो इमीडिएट हो जाएगा। तो फॉर लूप में आप लेट यूज कर सकते हो, और उसके बाद में आपके पास फाइल रीडिंग के लिए लेट यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजों के लिए, तो इसके मैं यूजेस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, फॉर लूप, ओके, या फिर लूप, मैं बोलूंगा लूप, ओके, लूप एंड फाइल एक्सेस एंड देन फास्टर एक्सेस के लिए, जैसे कि आप काउंटर यूज करते हो ना, काउंटर, उसके लिए फास्टर एक्सेस काउंटर, ओके। तो इसके लिए आप लेट का यूज कर सकते हो, और कॉन्स्ट आपको पता है कि जब आपको बाय कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर आपको डिफाइन करनी है तो कॉन्स्टेंट का यूज कर सकते हो। अच्छा, एनी डाउट, किसी को डाउट है इसमें? हेलो सर, लेट बताओ ना कुछ। अच्छा देखो, लेट का मतलब क्या होता है, ये इमीडिएट स्टोरेज होता है, इमीडिएट। देखो मैं आपको इसका ये बताता हूँ कैसे होता है, आप पहले जान लो। देखो, जब वेरिएबल बनाते हो ना, वेरिएबल ये आइदर स्टैटिक होगा या फिर डायनामिक होगा, स्टैटिक और डायनामिक। अगर ये स्टैटिक होगा तो ये जाता है आपके स्टैक में, ओके, और अगर ये डायनामिक होगा तो ये जाता है हीप में, ओके। अगर वेरिएबल है तो अगर स्टैटिक होगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे तो स्टैटिक ही होता है, तो नॉर्मली ये स्टैक में जाता है। और ये जो मेमोरी है आउटर टू दी सीपीयू है, देखो स्टैक एंड हीप ये दोनों है ना आउट ऑफ दी सीपीयू है, तो इसका मतलब इनका एक्सेस जो होगा स्लोअर होगा, इनको एक्सेस करने के लिए आपके प्रोग्राम को मेमोरी के पास जाना होगा, ओके। तो इनका एक्सेस स्लो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस टू मेमोरी, यहाँ पे आपके मेमोरी एक्सेस स्लो होता है, लेकिन लेट क्या होता है, लेट इज विद इन दी सीपीयू। अच्छा, विद इन दी सीपीयू आपको पता है कौन से मेमोरी होती है विद इन दी सीपीयू? एक तो कैश होता है, बफर होता है, कैश बफर, या तो फिर होता है आपका रजिस्टर, रजिस्टर। तो ये क्या होता है, लेट जो होता है ये विद इन दी सीपीयू स्टोर होता है, या फिर कैश, आप बोल सकते हो कैश बफर में रजिस्टर, तो इसका एक्सेस फास्ट होता है, एक्सेस टू लेट इज फास्टर। तो लेट जो होता है फास्टर होता है। तो जब भी आप फॉर लूप यूज कर रहे हो, या फिर आप कुछ लूप यूज कर रहे हो, या फिर काउंटर होता है ना, काउंट प्लस प्लस करते हो आप, उस केस में आपको लेट यूज करना है। इज दिस क्लियर? हाँ सर, ओके, अभी डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया ना कैसे होता है, क्या होता है, ओके। तो आप ये कर सकते हो। अच्छा देखिए, अब हम थोड़ा स्ट्रिंग को इलाबोरेट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रिंग टाइप, या फिर आप इसको बोलते हो स्मॉल, अच्छा आपको ये बेसिक है, इसमें अलग अलग मेथड्स है। देखो इसके कौन से मेथड्स आते हैं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो होता है कैर एड, जावा में होता है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है कैर एड। तो इसमें पास होता है इंडेक्स, अगर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप कैर एड का यूज कर सकते हो, ओके। अच्छा, ये पहला मेथड। अच्छा, इसका सेकेंड मेथड होता है, देखिए कैर एड होने के बाद कॉन्केट। अच्छा, ये भी आपको पता है कॉन्केट क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉन्केट करता है, ओके। तो यहाँ पे होता है यस, कंबाइन करता है, इधर एस टी आर खाएंगे अलग अलग, एस टी आर 1, एस टी आर 2, एसटीआरपी, आपको जो जो है कॉमन सेपरेटेड आप एरे भी दे सकते हो, या फिर कॉमन सेपरेटेड स्ट्रिंग दे सकते हो, आपको जितने चाहिए उतने, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इज आपका इंडेक्स ऑफ, ये भी आपको पता रहेगा, पता है क्या ना इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ इसके अंदर कैरेक्टर पास करने का, कैरेक्टर इसके अंदर अगर आप कैरेक्टर पास करोगे ना इंडेक्स ऑफ कैर, तो आपको इंडेक्स देगा कि वो कहां पर है, ओके, रिटर्न इंडेक्स, आपको इंडेक्स देगा। ये सारे जावा के ही मेथड है, कुछ अलग नहीं है, याद रखो। उसके बाद में रिप्लेस, ये भी जावा में है, देखो रिप्लेस, अगर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पर्टिकुलर स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला स्ट्रिंग होता है सोर्स,
डिलीमीटर क्या है, यहाँ पे अंदर आता है सेपरेटर। ओके, तो जैसे कि आपको कॉमा से सेपरेट करना है या फिर आपको कुछ और चीज से सेपरेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और ये एरे रिटर्न करेगा, रिमेम्बर इट रिटर्न एरे, तो ये हमेशा एरे रिटर्न करेगा। ओके, अच्छा अच्छा, और होता है टू अपर केस, ये भी कॉमन है, टू अपर केस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। वैसे ही होता है टू लोअर केस, टू लोअर केस ऐसे ही होता है, ठीक है सेम, और ये भी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे कॉल होगा। ओके, अच्छा पहले हम इतना देख लेते हैं, चलो ये देखो। तो हमें मैं एक अलग फाइल बनाता हूँ, ठीक है, न्यू फाइल, समझो इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग टेस्ट डॉट जेएसपीएस। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, वेयर एसटीआर कोलन स्ट्रिंग। ओके, कुछ तो अच्छा लेंगे, बड़ा वाला समझो, माय नेम इज पीक्यूआर। My name is Victor. ये मेरा string है। अच्छा, आप कौन से method मैंने आपको बताए? Index of and all, okay? तो हम वो देखते हैं। देखो, अब मैं क्या करता हूँ? Char, okay? Where ch is equal to, where ch is equal to char at, str dot char at, ये देखो आ गया, okay? In bracket I will pass zero. अच्छा, तो क्या देगा ये zero pass करेंगे तो? M, it should give M, okay? Console.log, ये देगा M, इसको सेव कर, okay, चलो इसको रन करते हैं। csc string test.js, okay, node.js string test.js, ये देखो इसने M दिया, okay? तो You can check this. अच्छा, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, where I is equal to, okay, str dot index of, index of, अच्छा मैं लेता हूँ n, sorry, single quotes में n, okay, अच्छा अभी एक काम करो, console dot log करो, console dot log and say I, अच्छा क्या देगा ये? हेलो, इंडेक्स ऑफ एन, देखो 0 1 2 3 3 आएगा, 3 बराबर ना, 0 1, ये स्पेस है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अच्छा चलो इसको बाद में रन करते हैं, एक बार पूरे होने दो फंक्शन। अच्छा, और कौन सा फंक्शन है आपका, कॉन्केट, चलो ये भी दे देते हैं, नहीं काम बस इसको पहले रन कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। टीएसपी नाउ कंपाइल, अच्छा ये हो गया फ्री, ओके, तो इंडेक्स ऑफ एन इज फ्री। ओके, नेक्स्ट इज नाउ विल कम कॉन्केट, मैं एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, str1 इज इक्वल टू, सपोज मैं लेता हूँ आई एम अ स्टूडेंट। ओके, मैंने ये स्ट्रिंग ले लिया, अब मैं कॉन्केट करता हूँ, देखो str1 str डॉट कॉन्केट, ओके str1, अच्छा मैं इसको लूंगा एक दूसरे वायर में, वायर str2, तो str को कॉन्केट किया str1 में और इसको लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग str2। ओके, अच्छा अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ओके, सो इट इज माय नेम इज पीक्यूआर, आई एम अ स्टूडेंट, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा, एनी डाउट इन दिस सर, जो टाइम स्ट्रिंग क्लियर करके तो टाइप स्ट्रिंग देना कंपलसरी नहीं है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे बेस्ट क्या है कि आप हमेशा दो, देखो आप यहाँ पे इवन रिजल्ट को भी दो, आप जो रिजल्ट दे रहे हो उसको भी दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे अगर मैं नहीं देता हूँ तो भी वो क्या करेगा, एज अ इन डायरेक्टली वो कन्वर्ट किस में होने वाला है, जावास्क्रिप्ट में होने वाला है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रेक हो रही है, तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा दो। अब यहाँ पे देखो ये नंबर आने वाला है ना, आई डोंट केयर इट इज नंबर, तो नंबर दो। ओके, जब भी आप कुछ
कर रहे हो तो नंबर दो। आप यहाँ पे मुझे कैरेक्टर का टाइप पहले इसमें सपोर्टेड का मतलब जो क्या कहते हैं इसे हमारे टाइप स्क्रिप्ट 2 में ये कैरेक्टर का टाइप सपोर्टेड था, अब इन्होंने चार बंद किया है इसलिए आप चार नहीं दे सकते यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो जो अननोन टाइप है आप उसके लिए स्ट्रिंग यूज करो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, देखो अब मैं इसको रन करता हूँ, फिर अब ये क्या हो गया, या पूरा एमवी एडमिज आल्सो माय स्ट्रिंग ना। देखो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप एड नहीं होता है, जैसे कि जावा में कैर टाइप होता है बराबर, सी में होता है कैर टाइप, और उसके बाद में ये जो लूजली कपल्ड लैंग्वेजेस है ना लूजली टाइप, जैसे कि पीएचपी हो गया आपका, उसके बाद में आपका हो गया आपका जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे कैर टाइप नहीं होता, यहाँ पे सिंगल कोट्स में कैरेक्टर हो गया और डबल कोट्स में स्ट्रिंग हो गया। और एक्चुअली में देखना चाहेगा तो कैरेक्टर इज ऑल्सो वन लेंथ स्ट्रिंग, जिसका लेंथ वन है वो स्ट्रिंग ही, रिमेम्बर ओके। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो एम प्रिंट हो गया, तो वी आर प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग बट इट इज स्टिल प्रिंटिंग माई कैरेक्टर, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। आपको अगर टाइप पता नहीं है तो मत दो, लेकिन अगर आपको टाइप पता है या वी नो के इसका टाइप तो मुझे पता है तो देन यू कैन गिव। तो टाइप स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी यूजली कपल, मतलब आप दो या मत दो आपको आंसर मिल जाएगा ओके। अच्छा और कौन सा मेथड है हमारा, कॉन्केट हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, हम क्या करते हैं एस टी आर वन में रिप्लेस करते वैट एस टी आर थ्री इज इक्वल टू, अच्छा इसको भी टाइप दे सकते टाइप इज इक्वल टू एस टी आर डॉट रिप्लेस इन ब्रैकेट आपका सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। अच्छा मैं पी क्यू आर को रिप्लेस करता हूँ पी क्यू आर विथ ओके। अच्छा अभी मैं कंसोल डॉट लॉग एस ये करता हूँ एस टी आर थ्री ओके, चलो इसको रन करो। ये देखो नेक्स्ट इज माय नेम इज आरती, तो जो पी क्यू आर था वो रिप्लेस हो गया एंड नाउ इट इज माय नेम इज आरती ओके। इज इट क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें तो ना इट्स वेरी सिंपल, मतलब देखो अगर जावा पढ़ रहे हो ये पढ़ रहे हो कुछ अलग नहीं है, सब सेम है कुछ अलग नहीं ओके। मतलब आप ऐसे मत समझो कि जावा और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी फर्क नहीं है ओके। अच्छा नेक्स्ट इज देखो स्प्लिट, अगर मुझे स्प्लिट करना है तो ठीक है, मैं एक न्यू स्ट्रिंग लेता हूँ वैट एक काम करता हूँ मैं इसका नाम देता हूँ वैट लाइन इज इक्वल ओके। अच्छा ये किया मैंने, अब मुझे क्या करना है इसको स्प्लिट करना है बाय कोलन, तो देखो वैट, अच्छा आप मुझे टाइप नहीं पता है क्यों, क्योंकि मैंने कहा था एरे आएगा एरे, एरे इज अनडिफाइंड टाइप, मतलब एरे का जो है वो अनडिफाइंड टाइप है, तो इसमें क्या करो सर मैं बोलता हूँ यहाँ पे टोकन वैट टोकन इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट और इन ब्रैकेट डबल कोट्स में कोलन मैंने दे दिया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ टोकन, अच्छा अभी कुछ वर्जन में ये सपोर्टेड था विल सी, अगर नहीं तो फिर हमें एरे का साइन देना है, बट एज पर दी स्टैंडर्ड रूल ये चलना चाहिए। ये देखो आ गया एरे, देखो हाय हाउ आर यू, देखो इसने सेपरेट कर दिया, अगर मैं यहाँ पे टोकन का जीरो प्रिंट करता हूँ तो मुझे मिलेगा हाय, ये ओनली हाय, इज दिस क्लियर नाउ, ये क्लियर है कोई डाउट नहीं ना। तो अभी एरे का जो टाइप होता है इट इज अनडिफाइंड, एरे जो होता है वो अनडिफाइंड टाइप का होता है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि क्या स्प्लिट होके क्या आने वाला है, तो इन दैट केस वी शुड यूज ओनली वेरिएबल नो टाइप। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप लगाता तो वो कंफ्यूज हो जाता कि एरे है क्या लिस्ट है क्या है, क्योंकि देखो इन लूजली कपल्ड लैंग्वेज एवरी एरे एक्ट एज अ लिस्ट,
सर मीटिंग इज कमिंग टू एन एंड, मैंने फ्रेश इनवाइट भेजा है, वो ज्वाइन करते हैं। अच्छा तो ये आपका अरे हो गया, ठीक है, तो टोकन स्प्लिट करोगे तो टोकन आएगा। अच्छा उसके बाद में आपको यूटीएस कैरेक्टर भी होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, बट आई डोंट थिंक तो उसका कोई जरूरत नहीं। ओके, और सेम सेम ऐसे भी होता है, मतलब जो आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ रिप्लेस ऑल, पता है ना आपको रिप्लेस ऑल, वो सब सेम चीजें यहाँ पे भी होती है, तो एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे ये नहीं है। ओके, एंड देन यू कैन ट्रिम, जाओ में ट्रिम करते हो ना, ट्रिम स्पेसेस निकालने के लिए, ट्रिम लेफ्ट ट्रिम राइट, सेम सेम नो चेंजेस। ओके, अच्छा फिर भी मैं एक काम करता हूँ, चलो मेथड ले ही देता हूँ। यहाँ पे सेम ऐसे होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टू अपर केस टू लोअर केस, आपको पता ही है, समझो कि मुझे क्या करना है। अज्यूम दैट str5 इज इक्वल टू str सॉरी लाइन लाइन है लाइन डॉट टू अपर केस या फिर टू लोअर केस। अगर मैं इसको लोअर केस में करता हूँ, अगर मैं प्रिंट करता हूँ कंट्रोल डॉट लॉग str5, लोअर केस में होगा, वैसे ही अपर केस का चलेगा। ये देखो ये पूरा मैंने कंट्रोल लॉक किया ना, ओके, तो इट इज टू लोअर केस, तो ये सारे मेरे हाय हेलो वगैरह जो भी है ये सब है लोअर केस में आते हैं, ठीक है। अच्छा इज दिस क्लियर? अच्छा एनी डाउट? नहीं सर। एनी डाउट? नहीं ना, पक्का ना, किसी को डाउट नहीं ना ये फंक्शन? ओके, अच्छा स्प्लिट हो गया, टू लोअर केस हो गया, ओके, एंड ये इसका अपर केस वैसे ही होता है सेम, तो अपर केस आप कर सकते हो। ओके, अच्छा और इसमें और क्या बचा आपका? अच्छा क्लियर सर, आपको समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो, स्टार्ट विद एरे, हम क्या करते हैं एरे से स्टार्ट। अच्छा देखिए तो यहाँ पे जो एरे होता है, ओके, नाउ अगेन आई एम सेइंग के इट्स अ सीक्वेंशियल एक्सेस, तो एरे जो होता है सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, तो यहाँ पे पहले आपका वेरिएबल नेम आएगा और उसके बाद में टाइप आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर इंटीजर एरे चाहिए तो लाइक दिस एरे सपोज के वेयर ए कोलन और उसके बाद में टाइप, जो टाइप आपको चाहिए सपोज नंबर और उसके बाद में एरे ब्रैकेट, आपको ऐसे करना है। दिस इज क्लियर? कैसे करना है समझ में आ गया आपको? वेयर एंड देन नंबर, वेयर एंड देन वेरिएबल नेम, मतलब आपका एरे का नाम और उसके बाद में आपका आपको जो टाइप का एरे चाहिए आप उसको स्पेसिफाई करोगे। ओके, अच्छा नाउ दिस इज माय एरे वन टाइप, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये आपका हो गया डायरेक्ट। ओके, इज देयर एनी डाउट? किसी को डाउट है इसमें? हेलो हेलो, एनी डाउट? सर रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, देखिए अच्छा ये एक तरीका हो गया एरे डिक्लेयर करने, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए दिस इज आल्सो अलाउड फॉर 1 2 3 4 5 6, ये भी अलाउड, नो डाउट। ओके, बोथ आर अलाउड, वेयर ए इज इक्वल टू आप उसको नंबर दो एंड देन उसको टाइप दो, या फिर आप उसको वेयर डायरेक्टली ये कर दो, दिस इज आल्सो अलाउड, मतलब कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये लूजली टाइप है, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट का भी कोड यहाँ पे चलेगा। ओके, बट व्हाट इफ आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई द एलिमेंट इनिशियली, अगर मुझे एरे के एलिमेंट इनिशियली स्पेसिफाई नहीं करने तो मैं ऐसे नहीं कर सकता वेयर ए कोलन नंबर, बट मैं ऐसे नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अलाउड। अब मैं यहाँ पे साइज देना है मुझे, तो साइज भी नहीं दे सकता मैं। ओके, दिस इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे इसके लिए एक कीवर्ड है, उसके लिए एरे कीवर्ड है, आपके टाइप में एरे नाम का कीवर्ड है, तो वो आपको यूज करना है। तो दिस
इज नॉट अलाउड, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज नॉट सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड आफ्टर टाइपस्क्रिप्ट 1.8। तो ये टाइपस्क्रिप्ट 1.8 के बाद से सपोर्टेड नहीं है, तो अब इसको कैसे कर किया जाए, तो देखो वैर ए ओके एंड देन कोलन और उसके बाद में आपको कीवर्ड यूज करना है एरे एंड देन यूर टाइप से नंबर, आपको अभी एरे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा अगर इन केस आपको पहले ही इनिशियलाइज नहीं करना है तो। इज दिस क्लियर नाउ, इज दिस क्लियर? तो सिमिलरली फॉर स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग होगा तो वैर सपोज एस कोलन एरे ओके और विद ब्रैकेट आपको ऐसे करना पड़ेगा एंड दिस इज द स्टैंडर्ड वे, ये ज्यादा यूज किया जाता है एरे को, ठीक है? तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में एरे ऐसे डिक्लेयर किया जाता है ज्यादा करके, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कर लो, जैसे कि a इज इक्वल टू सपोज a इज इक्वल टू ओके 1 2 3 4 या फिर आप यूजर से लेके HTML से डेटा ले लो और आप ऐड करो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। यहाँ पे भी आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ओके पी क्यू आर व्हाटएवर, आप कुछ भी कर सकते हो। तो दिस इज अलाउड इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा देखिए अब यहाँ पे आप अगर डबल कोट्स में देते हो और सिंगल कोट्स में देते हो स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग ही रहता है, इट इज सिमिलर टू पीएचपी। पीएचपी में डबल कोट भी स्ट्रिंग चलता है, सिंगल कोट भी चलता है, तो बोथ आर वैलिड। अच्छा एनी डाउट इन दिस, कोई डाउट है इसमें? नहीं ना पक्का? चलो हम इसका एक एग्जांपल, मैं इसके लिए न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू एरेडम डॉट सी ओके। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे लेता हूँ वेयर ए कोलन नंबर ऑफ इज इक्वल टू, एक एरे बनाएंगे 1 2 3 4 5 जो भी, ठीक है? ये मेरा एरे रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल डॉट लॉग करता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग, तो ये मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा। तो आई विल रन दिस पीएचपी एरे डेमो डॉट ओके और उसके बाद में नोड दीजिए एरे डॉट, ये देखिए 1 2 3 4 5। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे टाइप किया, अगर मैं टाइप नहीं देता तो हेट्रोजीनियस हो गया, आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर मैंने टाइप नहीं दिया तो आप ये हेट्रोजीनियस हो गया, यू कैन ऐड एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो वेयर ए इज इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ ए लेता हूँ वेयर सी इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 कॉमा ए बी सी कॉमा सी क्यू आर, ये भी चलता है, दिस इज ऑल्सो अलाउड। मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंट्रोल डॉट लॉग, तो दिस इज ऑल्सो अलाउड, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को गए तो टाइप चेकिंग बंद हो गई, ये ऐसा होता है, ठीक है? याद रख, तो वंस यू अक्वायर्ड, वंस यू यूज दी जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, इसका मतलब आपने टाइप को इनवैलिड किया, टाइप को इग्नोर किया, ऐसा होता है यहाँ पे। लेकिन जब आपने नंबर दिया है यहाँ पे तो नंबर ही होना चाहिए, जब आपने स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, बुलियन दिया तो बुलियन ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने टाइप नहीं दिया इसका मतलब आप चाहते हो कि कुछ भी ऐड करें, तो इन इन टाइपस्क्रिप्ट एंड इन जावास्क्रिप्ट द एरे इज हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में करते हो तो आप टाइप दे सकते हो, दैट इज अलाउड ओके। अच्छा अभी हम एरे कीवर्ड वाला देखते हैं, देखो अच्छा एरे कीवर्ड का कैसे होता है। वेयर सपोज मैंने दिया यहाँ पे एस कोलन ओके स्ट्रिंग, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ मैं या फिर मैं डायरेक्टली एरे की वर्ड, बस यहाँ पे मैं एरे की वर्ड यूज करता हूँ, ये देखिए एरे आ गया क्लोज, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं इसको एंड कर दूंगा, मैं तो इसको सेमीकोलन देना है आपको एंड करने के लिए, अगर नहीं देते हो तो भी बहुत सारे टाइपस्क्रिप्ट में अलाउड है, विदाउट सेमीकोलन भी चल जाता है। अब मैं एस में स्ट्रिंग कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, तो फॉर एग्जांपल सपोज ए
नहीं देते हैं तो भी चल जाता है, याद रखो डिपेंड्स ऑन द साइज। ये ए बी सी ओके इन दिस क्लियर एनी डाउट। तो ज्यादा करके आपका जो सिंटैक्स होना चाहिए ओके रिमेंबर जो आप सिंटैक्स यूज करोगे वो ये वाला फॉलो करोगे, दिस इज द वैलिड सिंटैक्स, मतलब ये बेस्ट सिंटैक्स है क्योंकि यहाँ पे साइज चेकिंग होती है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है साइज चेकिंग होती है, तो ऑलवेज फॉलो द बेस्ट सिंटैक्स। अच्छा आप इंडेक्स से भी प्रिंट कर सकते हो, देखिए अगर समझो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है एस ऑफ वन तो आप प्रिंट कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट, सेम थिंग जैसे आपका जावा है वैसा ही है। यहाँ पे भी प्रिंट हो गया ठीक है, इट इज क्लियर एनी डाउट। हेलो एनी डाउट अरे मुझे रिप्लाई दो। यस सर। हाँ नहीं है ना कोई डाउट नहीं है ना। नहीं नहीं फिलहाल तो समझ रहा है पूरा। अच्छा देखिए नाउ एक्सेसिंग दी एरे एलिमेंट, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट एक्सेसिंग एरे एलिमेंट ओके। तो आप एरे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपके पास होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर लूप और यू कैन से फास्टेस्ट लूप। अच्छा आपका बाकी तो वो भी चलता ही है, वो इंटीजर वाला जो होता है ना वो भी कर सकते हो ठीक है, यहाँ पे फास्टेस्ट लूप को ज्यादा यूज किया जाता है ठीक है। अच्छा तो कैसे होता है देखिए फॉर ओके एंड देन व्हाटएवर लेट, लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा करके लेट का इस्तेमाल करूंगा लेट ओके। अच्छा अब उसके बाद में क्या करना है आपको आई इन ओके, आपको क्या करना है फॉर आई इन आपका जो एरे नेम, एरे नेम ओके एंड नाउ इन ब्रैकेट, अब आपको ब्रैकेट में आपको जो प्रिंट करना है करो, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग ओके, कंसोल डॉट लॉग योर एरे नेम ऑफ आई और आपका इंडेक्स, मतलब जो आपका आई है आपको ये ऐसे करना है ठीक है ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एबीसीडी वाला प्रिंट करना है तो फॉर लेट आई इन एस को स्टार्ट करो ओके, अब इसको कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग और इन ब्रैकेट आपका एरे का नाम एस ऑफ आई, आप कैसे कर ओके इज इट क्लियर। अच्छा चलो इसको रन कर ए बी सी डी जो जी आपका क्या हो गया इधर, मैंने एक मैंने प्रिंट हुआ है ना, हाँ है ए बी सी डी ये आपका पूरा प्रिंट हो गया, दिस इज क्लियर एनी डाउट। हेलो एनी डाउट नहीं ना, तो देखिए ये एरे था आपका। अच्छा देखिए अभी हम एक दो तीन एरे के मेथड देते हैं ठीक है और फिर हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अच्छा एरे के मेथड्स बहुत हैं यहाँ पे, अच्छा इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है सॉर्टिंग ओके, आप सॉर्ट कर सकते हो देखिए यहाँ पे एरे को डायरेक्ट सॉर्ट मेथड से ओके, तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ योर टाइपस्क्रिप्ट के, यहाँ पे आप इनप्लेस सॉर्ट कर सकते हो और वो भी विदाउट एनीथिंग, समझो मैं थोड़ा सफल करता हूँ, मैं थोड़ा कपलिंग करता हूँ इसका बी बी ए एंड ओके, नाउ व्हाट आई विल डू आई विल कपल इट ठीक ओके, ये नहीं आई विल कपल इट। अच्छा कपल किया मैंने, अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, देखो एस डॉट सॉर्ट ये देखिए डन हो गया, सॉर्टिंग हो गया इसका, अब इसको प्रिंट करो फिर ठीक है। अच्छा कंसोल डॉट लॉग एस इन प्लेस सॉर्टिंग, इन प्लेस मतलब डायरेक्ट ओरिजिनल एरे चेंज हो जाएगा ओके,
इन प्लेस सॉर्टिंग, तो आप डायरेक्टली ओरिजिनल एरे को सॉर्ट कर सकते हो, ओके, एंड देन कंसोल डॉट लॉग ये देखिए आपका ए बी सी डी ये पूरा प्रॉपर सॉर्टिंग हो गया। इज इट क्लियर? एनी डाउट? हेलो हेलो अरे वो ना आप लोग करने की जरूरत नहीं, मतलब एनी देने की जरूरत नहीं, आप जस्ट वेरिएबल का नाम दो, वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा।